कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रायपुर जिले में सोमवार रात 9 बजे से लॉकडाउन लगाया गया है। जिले में एक हफ्ते के लिए सख्त लॉकडाउन किया गया है। बुधवार सुबह से रायपुर शहर के चौक चौराहों में पुलिस की टीम मुस्तैद है और चौक से गुजरने वाले लोगों को आई कार्ड दिखाने के लिए भी कहा जा रहा है। यहाँ हर व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी व्यक्तियों को आई कार्ड दिखाने की बात कही जा रही है। जो बेवजह घूमने वाले हैं ऐसे 50 लोगों पर अब तक कार्रवाई की जा चुकी है और इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान 3 परीक्षाएं आयोजित होंगी जिसमें परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर परीक्षा देने जा सकेंगे। राजधानी रायपुर में इस बार का लॉकडाउन का काफी सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि राजधानी रायपुर के हर गली हर सड़क के चौक चौराहों पर पुलिस की टीम मौजूद है। हर एक वाहन से रोककर उन्हें पूछताछ की जा रही है कि वे कहां जा रहे हैं। यदि वे उचित कारण नहीं बताते हैं तो उन्हें रोका जाता है, उन्हें पास दिखाने को कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर एक एक वाहन को रोककर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। इससे पहले इतना सख्त लॉकडाउन जो है वो राजधानी रायपुर में नहीं लगाया गया था, लेकिन इससे जो अभी लॉकडाउन लगाया गया है वो हर एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। यदि व्यक्ति जो है वो आवश्यक सेवाओं से संबंधित यदि वो काम पर जाता है तो उसे जाने दिया जाता है, अन्यथा बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, उनके वाहन जब्त किए जा रहे हैं और यदि वे आवश्यक कारण नहीं बताते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाती है। लगातार यहाँ पर गाड़ियों का जो आने का सिलसिला है वो जारी है और लगातार पुलिस की कार्रवाई भी जो है हर एक एक व्यक्ति को रोक कर पूछताछ की जाती है वो जारी है। और इसी तरीके से आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है और लगातार राजधानी की पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।